Hi friends, hello. Hi friends, hello. Namaste. Welcome to Sony's Kitchen. Friends, आप सब कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ. उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत बढ़िया होंगे. Friends, आज की हमारी रेसिपी नॉनवेज है. ये डिश नॉन वेजिटेरियन सबको बहुत ही पसंद आती है. ये जूसी लजीदार डिलीशियस चटपटी डिश है. इसे चावल के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ परोस सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन करी. परफेक्ट मटन करी घर पे कैसी बनाई जाती है आज हम देखेंगे. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फ्रेंड्स, मटन करी बनाने के लिए हमें चाहिए मटन. मैंने यहाँ पे मटन हाफ किलो लिया है. इसे अच्छी तरह से धो के साफ करके रख लिया है. और हम लेंगे थोड़े से खड़े मसाले. मैंने यहाँ पे बड़ी वाली इलायची दो लिया है, छोटी इलायची चार, और स्टार एनस यानी कि चक्री फूल. मैंने यहाँ पे एक चक्री फूल लिया है, थोड़े से कसूरी मेथी लिया है, और दालचीनी 1 इंच के, और शाहजीरा 7-8 काली मिरी, और तेजपत्ता 3-4 लिया है. थोड़े से हम लेंगे मीट मसाला, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, तिल के पेस्ट बना के रखा है, और टमाटर प्यूरी. टमाटर को प्यूरी बना लिया है, टमाटर का पेस्ट करके ले सकते हैं. अनियन पेस्ट, और थोड़े से अनियन को चॉप करके लंबा लंबा स्लाइसेस में काट के रखा है. अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट लेंगे टेस्ट के अनुसार, कश्मीरी मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कर्ड 1/2 कप कर्ड लेंगे, तीखी मिर्च पाउडर, ड्राई रेड चिली, कोरिएंडर लीफ, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लेंगे. फ्रेंड्स, आज हम मटन कढ़ाई में बनाएंगे. कढ़ाई में बनाने से जो धीमी आंच पे मटन पकती है उसमें मटन की बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है. तो हम पहले मटन को मैरिनेट करेंगे. मटन ले लेते हैं. ये बर्तन में हम मटन डालेंगे. मीट में हम ऐड करेंगे दही. फ्रेंड्स, आप कर्ड नहीं लेना चाहते हैं तो आप लेमन जूस या फिर विनेगर ले सकते हैं. हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से हल्दी पाउडर. थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, हरी मिर्च, चिल्ली पाउडर, अभी ये सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी नमक डाल के. हम अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी से ऑयल. अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. जब भी आप मटन बनाएं, पहले 1 घंटे पहले मटन को इस तरह से मैरिनेट करके रखना जरूरी है. मैरिनेट करके रखने से मटन अच्छी जूसीदार पकती है. देखिए फ्रेंड्स,
मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अभी ये मटन को हम 1 आवर के लिए, एटलीस्ट 1 आवर हम मैरिनेट होने देते हैं, उसके बाद हम मटन करी बनाएंगे। तो चलिए मैं मैरिनेट करने के लिए इसे फ्रिज में रख लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमने मटन को मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। इसमें हमने जो खड़े मसाले लिए हुए थे उसका रोस्ट बना लेंगे। रोस्ट बना के हम थोड़े से रोस्टेड करके उसका पाउडर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, तेजपत्ता, चक्री फूल और दालचीनी, काली मिरी और हम डालेंगे जीरा। ये सारे मसाले का थोड़े से रोस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए हम। मसाला रोस्ट करके उसको पाउडर बना के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आती है। रेडीमेड मसाला में वो फ्लेवर नहीं आती है, मैं इसलिए यहाँ पे मसाला रोस्ट करके पाउडर बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे साबुत धनिया नहीं डाला है क्योंकि मैं धनिया पाउडर ली हुई हूँ। और हम थोड़े से शाह जीरा ऐड करेंगे और 2 रेड चिलीज, ड्राई रेड चिलीज ऐड कर रही हूँ। देखिए हमारे मसाला रोस्ट हो गई है। अब हम इसे हमाम दस्ता में पीस लेंगे। फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। मैंने मसाले को हमाम दस्ता में पाउडर बना लिया है, कूट लिया है। देखिए अभी ये मसाले को साइड में रखते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में थोड़ी सी तेल ले लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है। तेल को गर्म होने देते हैं। ये तेल में हमारे बचे हुए खड़े मसाले हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ना अनियन जो चॉप करके हमने रखे हुए थे वो डाल देंगे। हमारी ग्रीन चिल्लीज जो हमने काट के रखे हुए थे वो भी डाल देते हैं। अभी इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। फ्रेंड्स, जब अनियन इस तरह से स्लाइसेस में काट के हम डालते हैं, चिकन मटन को पकने में वैसे भी टाइम लगता है और अनियंस भी उसमें पक जाती है अच्छी तरह से, तो एक बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। इसे अच्छी गोल्डन कलर होने तक हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए अनियन अच्छी गोल्डन कलर की फ्राई हो गया है। अब हम अपने अदरक लहसुन का पेस्ट वो ऐड कर लेंगे। ये तिल का पेस्ट है, ये भी डाल देंगे। इसे ग्रेवी अच्छी थिक आती है। मैं अपना अनियन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे।
अच्छी तरह से सारी चीजों को भूनेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें अपना ड्राई मसाला ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, चिली मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हमने जो अभी फ्रेशली रेडी किया हुआ गरम मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अभी ये सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले तेल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ड्राई मसाले जब तेल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं तो अच्छी कलर आती है करी में। अब हम इसमें अपना टमाटर का जो पेस्ट है त्योरी बना के रखे थे वो डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पे तेज रखा हुआ है। इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरह तेज आंच पे भूनेंगे। इसके बाद हम अपना मटन इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स देखिए मसाले हमारे भून गए हैं अच्छी तरह से। अब हम जो मीट हमने मैरिनेट होने के लिए रखे थे वो निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मीट हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। 1 आवर से मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था। अब हम इसमें ये मीट ऐड कर लेंगे। हमने मटन को जो मैरिनेट होने के लिए रखा था तब हमने उसमें सॉल्ट डाले हुए थे, अभी और थोड़े से सॉल्ट डालेंगे। अब हम इसमें अपना मीट मसाला उड़ाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कढ़ाई में मटन को पका रही हूँ। मीट को पकने में बहुत टाइम लगता है तो फ्रेंड्स आप चाहे तो एक या दो विजिल लगा के कुकर में पका सकते हैं। बट फ्रेंड्स कुकर में बनाने से अच्छा कढ़ाई में बनाएंगे तो उससे ज़्यादा टेस्ट आती है। जब धीमी आंच पे मीट पकती है तो उसका सारा फ्लेवर और बहुत ही जूसी मीट बन के तैयार होती है। आप कढ़ाई में पका के देखिए एक बार, आप खुद ही मटन कुकर वाली मटन को भूल जाओगे। फ्रेंड्स अभी मीट को हमने ढक के 15 मिनट तक हम पकाएंगे। मैंने मीडियम से स्लो फ्लेम में इसे रख रही हूँ। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे। फ्रेंड्स 15 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए ऊपर ऑयल आ रही है तो
इसका मतलब है हमारा मसाला और मीट अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, मीट भी आधा पक गया है। चेक कर लेते हैं, देखिए हम ये फोक से दबा के देखेंगे। देखिए फोक जा रही है, इसका मतलब है आधा पक गया है मटन। अब हम अपना जो कसूरी मेथी है क्रश करके ऊपर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। हम अब इसमें थोड़े से पानी ऐड करेंगे। और मटन को हमने फिर से और 15 मिनट ढक के पकाएंगे। अभी सारे चीजें हमने इसमें डाल दी है। अब बस ये मटन को अच्छी जूसी होने तक पकानी है। हम ये मटन को ढक के फिर से 15 मिनट तक पकाएंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम में पकाएंगे, फ्लेम तेज नहीं करेंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम में पकाने से मटन सॉफ्ट अच्छी पकेगी। फ्रेंड्स 15 मिनट हो गया है, हम अब चेक कर लेंगे ढक्कन हटा के हमारी मीट पक गया कि नहीं। परफेक्ट ग्रेवी, देखिए ग्रेवी एकदम जितना हमें चाहिए उतनी कंसिस्टेंसी में आ गई है। थिक ग्रेवी है और मीट भी पक गई है। देखिए मीट अच्छी तरह से पक गई है। फ्रेंड्स अब हम इसमें अपना फ्रेश कोरिएंडर लीव जो हमने चॉप करके रखे हुए थे वो ऐड कर लेंगे। परफेक्ट है, हमारी मटन करी रेडी हो गया है। अब हम इसे फ्लेम ऑफ करेंगे। फ्रेंड्स हमने ये पूरे प्रिपरेशन के लिए हमें 40 मिनट्स या 50 मिनट्स लगती है। पहले हमने 10 मिनट तक मसाले का प्रिपरेशन किया, फिर हमने मटन डाल के 1 आवर मटन को मैरिनेट होने दिया, मटन डाल के हमने 15 मिनट्स पकाया, फिर हमने इसमें पानी ऐड किया, फिर 15 मिनट्स पकाया। तो फ्रेंड्स मटन पकने में 40 मिनट्स लगती है, 30 मिनट्स मटन को हमने पकाया और 10 मिनट मसाले का प्रिपरेशन किया। तो फ्रेंड्स कढ़ाई में मटन करी रेडी हो गया हमारा और हम इसे प्लेट में निकाल के सर्विंग बाउल में गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप इसे चावल नान रोटी किसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने मटन करी घर पे बनाया है और इसका लुक देखिए आप कितनी अच्छी लुक दे रही है। टेस्ट भी बहुत ही अच्छी है, फ्लेवर बहुत अच्छी आ रही है। आप यकीन नहीं करेंगे इतनी अच्छी फ्लेवर आ रही है, जैसे अभी इसको फिनिश करने का मन कर रहा है। मैंने इसको प्लेन राइस के साथ सर्व किया है, आप जीरा राइस या फिर नान और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने पूरी रेसिपी बनाने के समय इसकी मेजरमेंट्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके वहां से मेजरमेंट्स देख लीजिए। मैंने कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स चाहते थे कि मैं मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूं, जो देख के उनको आसानी होगी मेजरमेंट्स जानने में, इसीलिए मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे मेजरमेंट्स दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे वीडियो में मेंशन किया है मेजरमेंट्स कितनी लेनी है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई करें। आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट पढ़ के आपकी बहुत खुशी होगी, मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगी। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप ट्राई करके आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। शेयर करने के लिए आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया में आप फेसबुक व्हाट्सअप एंड ट्विटर ऑल्सो कहीं पे भी आप शेयर कीजिए। आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे आपको एक बेल बटन दिखेगी, बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिए फ्रेंड्स, उससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिलेगी।
तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई और अच्छी डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।